नजर शुक्र है नजर आ गए। सारा ठीक है, सारा ठीक है। हम लोग एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे, और एम्पलीट्यूड में मैं कह रहा था कि यहाँ पर देखें, यहाँ में मेन लाइन से जो मैक्सिमम हाइट एक वेव अटेन करेगी, मैक्सिमम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है या जो हाइट वो अटेन कर रही है वेव, दैट इज इट्स एक्चुअली एम्पलीट्यूड। ठीक है, जितनी वेव के पास एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी वेव के पास एनर्जी ज्यादा होगी उतनी वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन करेगी। ये मेरे ख्याल से मीटिंग एंड करने के बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो अभी कर लेते हैं। ओके फाइन। पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। द पिच ऑफ साउंड नहीं फ्लैटनेस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा सर, जो पिछला आप ग्राफ का समझा रहे थे सर, वो नहीं समझ आया। इन वेव्स का जो सर आप समझा रहे थे, प्रीवियस वाला ये नहीं एम्पलीट्यूड का जो आप सर, यस सर, ये जो वेव डिस्टरबेंस और सर इसके आगे वेव लेंथ एम्पलीट्यूड जो है, यस वेवलेंथ तो सर। समझ आ गई थी आपको, है ना? एम्पलीट्यूड रह गया। यस सर, एम्पलीट्यूड आप इस तरह से कह लो कि जब आपकी वेव बिल्कुल मेन पोजीशन से स्टार्ट होती है ना, तो वो कितनी हाइट अटेन करती है, एम्पलीट्यूड हम ये देखते हैं। ठीक है, अब उसने मेन, ये होती है मेन लाइन, ठीक है, ये होती है आपकी मेन लाइन। मेन लाइन से उसने कितनी हाइट अटेन किया है, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस झूले में बैठे हैं जो एक्सट्रीम हाइट तक जाके और फिर वापस आता है, यस सर, ठीक है, वो देखें आहिस्ता आहिस्ता जब इनिशियल आप उसमें बैठते हैं तो वो स्लो स्लो हाइट को अटेन करता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आप लोगों को वॉमिटिंग्स वगैरह आने शुरू जाती हैं, उसकी रीजन क्या होती है कि वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और उससे आपको ऐसे फील होना शुरू हो जाता है कि जैसे आप बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गए, उल्टे हो गए बिल्कुल ही, ठीक है, तो इतनी मैक्सिमम हाइट वो अटेन करता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको वॉमिटिंग्स वगैरह आनी शुरू हो जाती है, कुछ आपने खाया हुआ होता है तो आपको वॉमिट हो जाता है वो, ठीक है, अगर स्टमक खाली हो तब आप ऐसे उसमें झूले में बैठेंगे तो आपको वॉमिटिंग्स नहीं आएंगी, क्योंकि डायरेक्शन है ना आपकी, इस फिगर से भी नीचे जो चीज जाती है वो उसकी भी डायरेक्शन है कि अच्छा इस डायरेक्शन में रहेगी तो आपके आपको डाइजेस्ट करेगी चीज, चीज डाइजेस्ट होगी, आप इस डायरेक्शन में रहेंगे तो चीज डाइजेस्ट होगी, अगर ऑपोजिट हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात होते हैं वॉमिट ही होना। तो वहां पे भी क्या है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा होता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, अब वो उसमें क्या है कि स्लोली पहले आपको यहां से लेकर यहां तक लेके जाते हैं, फिर यहां लेकर आते हैं, फिर एक हाइट लेके जाते हैं, फिर यहां पे लेकर आते हैं एक हाइट पे, एक वक्त आता है कि बिल्कुल एक्सट्रीम हाइट पे ले जाते हैं, ठीक है, और फिर आखिरी इनकी पोजीशन क्या आती है कि वो आपको बिल्कुल अपोजिट करके फिर वापस लेकर आते हैं यहां से। ये बात समझ आई है? ये वो एक्चुअली अपना एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे होते हैं। पिच ऑफ साउंड, पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा, पिच आप कह सकते हो शेलनेस या फ्लैटनेस, अब वो भी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कि आपको जिस तरह के जिस जिस साउंड की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी वो साउंड आपको ज्यादा भारी सुनाई देगा ना। पिच क्या होगी, जैसे मैं कह दूँ कि मेरी क्लास में पिच क्या है, समटाइम्स इट्स हाई समटाइम्स इट्स लो, ठीक है, वो एक्चुअली होता क्या है कि मैं अपनी पिच उठा, वो समटाइम कहते हैं ना कि साउंड जब ये बंदा बोलता है तो पिच उठा के रखता है अपनी, ये
पिच क्या उठा के रखता है कि वो उसकी एक सस्टेनेबिलिटी होती है कि वो उसी रिदम में बोलता है, वो उसकी एक्चुअली पिच होती है। और ये पिच है सारी की सारी डिपेंड किस पे कर रही है, सारी की सारी वो पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड पे। ठीक है, बाबा यानी बुक के नहीं खोलन दे वो दाजे है बुक ना को सा कुछ ऊपर सा ये पे हल्ले तक कोई बावन का है असाइनमेंट कर के लाना उनको भी दे रहे हैं, मुझे उसका लिखवा दिए पहला चैप्टर पे बी में से सवाल चुन चुन के लिखवा दिए। हसन माइक का करी था चैन बाबा उस लाइन में ये तो ना मैं तो नहीं देता कहूंगा सर मैंने तो किए ही नहीं है। हसन आज माइक ऑफ सन माइक ऑफ करो। ठीक है, अब जिसकी ये ना फ्रीक्वेंसी ये ज्यादा सर होगी वो उस वेव की पिच भी ज्यादा होगी। सर ठीक है, अच्छा आपकी आवाज अटक रही है सर। यार एक मिनट, अब ठीक है। यस सर बिल्कुल ठीक है, चलें आप कंटिन्यू करें। यहाँ से फिर मेरे हाथ से आगे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया टू एंड द मीटिंग। ओके, फिर आप लोग यस ने सर, दोबारा ज्वाइन करनी है ये ताकि आप लोग अटेंडेंस हो जाए प्रॉपरली। सारों के लिए कह रहा हूँ, ये ठीक ना है हो सर, मैं 32 छोड़ूँ अभी पार्टिसिपेंट और बाद में देखूँ 16 बैठे हुए हों। वैसे अभी स्क्रीनशॉट ले लेते ना वो उसका।